जैसलमेर जिले में इस वर्ष मानसून भी अच्छा नहीं होने के कारण अकाल के हालात उत्पन्न हो गए हैं। वही क्षेत्र के कई गांवों में खरीफ की फसल चौपट हो जाने से किसानों को लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। वही चारे के अभाव में पशुओं के हालात बदतर होते जा रहे हैं। नहीं यहाँ किसी चारे डिपो की व्यवस्था भी है, सरकार का इस पर ध्यान ही नहीं है। किसी जमाने में जैसलमेर में यहाँ के लोगों का जीवन बरसात पर ही निर्भर हुआ करता था, लेकिन आज के वैज्ञानिक जमाने में हालात कुछ खास नहीं सुधरे हैं। पहले बरसात पर निर्भर हुआ करते थे, अब यहाँ की सरकार पर निर्भर है। लोगों का आरोप है कि सरकार एक गाय के नाम पर वोट तो मांगती नजर आ रही है, लेकिन उसी गाय के चारे के लिए कोई व्यवस्था नहीं कर रखी है। क्षेत्र में इस वर्ष पड़े अकाल के कारण 600 रुपए में भी चारा उपलब्ध नहीं हो रहा है, जिससे पशुपालकों को अपने पशुओं को आवारा छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। चारे के अभाव में पशु जंगलों में भटक रहे हैं और काल के ग्रास हो रहे हैं। इसी प्रकार गांव में आवारा पशुओं की संख्या भी बढ़ गई है। सरकार ने पशु शिविर व चारा डिपो की दरकार को भी सुनना बंद कर दिया है। क्षेत्र में इस वर्ष बारिश नहीं होने के कारण उपजे अकाल के हालातों के कारण पशु चारा नहीं मिल रहा है। दूसरी तरफ सरकार की ओर से अभी तक अनुदानित दरों पर चारा डिपो अथवा आवारा पशुओं के लिए पशु शिविर नहीं खोले गए हैं। पशुपालकों के लिए दुधारू पशुओं को भी बचा पाना मुश्किल हो रहा है तथा आवारा पशु जंगलों में चारे पानी के अभाव में दम तोड़ रहे हैं। गौरतलब है कि विधानसभा चुनाव में सभी अपने अपने सरकार बनाने में लगे हैं, वहीं पशुपालक अकाल का सामना कर रहे हैं। पूर्व में जब भी अकाल की स्थिति होती है तो राज्य सरकार की ओर से आपदा प्रबंधन के अंतर्गत आवारा पशुओं के लिए ग्राम पंचायत अथवा स्वयं सेवी संस्थाओं के माध्यम से पशु शिविर व अनुदानित दरों पर चारा डिपो खोले जाते हैं, ताकि आम पशुपालक को सस्ते दर पर चारा उपलब्ध हो सके तथा आवारा पशुओं को पशु शिविरों में भर्ती कराया जा सके। अकाल व बढ़ते आवारा पशुओं की संख्या को देखते हुए ग्राम पंचायत क्षेत्र में पशु शिविर व चारा डिपो की आवश्यकता महसूस की जा रही है, परंतु सरकार का इस ओर ध्यान ही नहीं है।